बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रसोई जायका। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वह है 2-in-1 मिल्क एंड मैंगो पुडिंग। तो चलिए देखते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्या क्या यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप के करीब मैंगो पल्प, इसमें जाएगा 6 टेबल स्पून जैगरी पाउडर यानी कि गुड़ का पाउडर, आप शुगर भी ले सकते हैं, और 250 ml मिल्क। मिक्स फ्रूट जैम जाएगा इसमें, जिसे मैंने एक क्वार्टर में फिल कर रखा है। इसके अलावा इसमें वनीला एसेंस 1/2 टीस्पून और इसमें जाएगा मैंगो एसेंस। इसके अलावा हनी जाएगा जो कि लूंगी मैं 1 टेबल स्पून, और साथ ही में एगर एगर या अगर अगर भी कहते हैं इसे, ये स्ट्रिप जाएगी। इसको पहले हम 2 हिस्सों में कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर मैं 2 तरह की पुडिंग बना रही हूँ, तो इसको हम 2 हिस्सों में बांट लेंगे। अब हमें क्या करना है, पहले पुडिंग बनाने के लिए इसे पानी में भिगो कर रख देंगे। 1 कप पानी लेंगे और इसे सोक करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। इसी तरह हमें एक दूसरे बर्तन में भी 1 कप पानी लेना है और उसमें 1/2 हिस्सा इसका भिगो कर रख देना है 10 मिनट के लिए। पानी हमें नॉर्मल वाटर लेना है, ना ही ठंडा ना गर्म। ये देखिए पहली पुडिंग के लिए रेडी हो चुकी है अगर अगर। अब इस समय क्या करना है, मेल्ट करना है लो टू मीडियम फ्लेम पर, कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है जब तक ये अच्छे से डिजॉल्व ना हो जाए। ये देखिए डिजॉल्व हो चुका है, ट्रांसपेरेंट हो चुका है पानी। अब इसमें मैं मिलाने जा रही हूँ 3 टेबल स्पून गुड़ का पाउडर, आप इसकी जगह 3 टेबल स्पून शुगर भी ले सकते हैं नॉर्मल, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम 1 कप मैंगो पल्प, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कंटिन्यूसली स्टर करते रहेंगे। फ्लेम रखेंगे लो टू मीडियम, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून मैंगो एसेंस, थोड़ा फ्लेवरफुल करने के लिए और टेस्ट भी अच्छा आता है इससे। मिक्स इट वेल अगेन। अब इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लेंगे जिसमें आपको पुडिंग तैयार करनी है, लेकिन याद रखिए इसका 1/2 हिस्सा हमें फिल करना है, पूरा नहीं डालना क्योंकि दूसरे हिस्से में हमें इसमें मिल्क का पुडिंग बनानी है। अब इसे रख देंगे हम 2 घंटे के लिए फ्रिज में। चलिए इस बीच हम दूसरी पुडिंग की तैयारी करते हैं जो कि होगी हमारी मिल्क पुडिंग। इसमें हम एक बर्तन ले लेंगे और उसमें भिगोई हुई एगर एगर डालेंगे पानी के साथ, और इसे भी कंटिन्यूसली स्टर करते हुए डिजॉल्व कर लेंगे। ये देखिए बबल उठने लगे हैं और कम्प्लीटली ये डिजॉल्व हो चुका है पानी में। अब इसमें हम डालेंगे जैगरी पाउडर या शुगर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून हनी, उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही में दूध डालेंगे इसमें और स्टर करते रहेंगे। वनीला एसेंस 1 टीस्पून, मिक्स इट वेल। जब इसमें एक बॉयल आने लगेगा तो फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है, फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे डाल देंगे मैंगो पुडिंग के ऊपर। ये देखिए अच्छे से जम चुकी है 2 घंटे में मैंगो पुडिंग। अब इसके ऊपर हम पोर कर देंगे ये मिल्क वाली पुडिंग जो हमने अभी बनाई है। 1 स्पून ले लीजिए, उसे थोड़ा तिरछा करके उल्टा करके हम ये पोर करेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि इक्वली सब जगह मिल्क पुडिंग जाए, और इसे भी हम रख देंगे 2 घंटे के लिए फ्रिज में थोड़ा चिल करने के लिए। ये देखिए मिल्क पुडिंग भी रेडी हो गई है 2 घंटे में। अब इसके हम करेंगे थोड़ी डेकोरेशन जो कि मैं कर रही हूँ चॉकलेट सिरप के साथ। एक लाइन बनाएंगे हम चॉकलेट सिरप की
और दूसरी बनाएंगे मिक्स फ्रूट जैम की, जिसे मैंने एक बॉटल में फिल कर रखा है पहले से ही। इस तरह हम लाइन बाय लाइन करते रहेंगे, पहले चॉकलेट सिरप देन मिक्स फ्रूट जैम। यहाँ पर मैं मिक्स फ्रूट यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो अपनी पसंद का कोई सा भी जैम यूज़ कर सकते हैं। अब एक शार्प सिल्क स्टिक या स्क्वायर ले सकते हैं और उसे डिजाइन बना लीजिए। ये देखिए स्टिक की मदद से मैं डिजाइन बना रही हूँ, इसी तरह आपको बनाना है। और इसके ऊपर से हम डाल देंगे, ये देखिए चॉकलेट वेफर है ये, उसको क्रश करके डाल देंगे थोड़ा क्रिस्पीनेस लाने के लिए पुडिंग में। आप चाहें तो चॉकलेट चिप भी डाल सकते हैं। और इसके ऊपर से हम डाल देंगे थोड़े से मैंगो चंक्स, मैंगो के छोटे टुकड़े, थोड़ा और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए पुडिंग को। तो लीजिए बनकर रेडी है क्विक एंड इजी मैंगो एंड मिल्क पुडिंग। आई होप आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आगे जो बेल बटन है उसे भी क्लिक कर दें आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी यू सून।